फ्रेंड्स, जिस तरह से आप देख रहे होंगे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे यहाँ पे, उसके मतलब इस पानी के बहाव से मिट्टी का तो नुकसान है ही, सबका, जंगलों का तो है नुकसान, मगर लोग जैसे कि ये फसल लगाते हैं मिर्च वगैरह की, पीपल मंड की, गन्ने की, वो लगभग 80% खराब हो जाती है, जिसमें लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, परेशानी भुगतनी पड़ती है। अभी इतना पानी देख रहे हो ना, अभी तो कुछ नहीं है, 95% 5% का मामला है, अभी 95% अभी और आने वाला है यहाँ पे, मगर व्यूज बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, कभी आओ आपको भी घुमाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पानी देखने, गांव में पानी आ गया है फ्रेंड्स, बारिश की वजह से बहुत पानी है, और ये देखो खालिद भाई भी जाते हैं पानी के लिए देखने के लिए। तो फ्रेंड्स पूरी टीम जा रही है बाइक पे, हम जा रहे हैं पानी देखने के लिए, ये देखो फ्रेंड्स बने रहिए। फ्रेंड्स ये देखो, फ्रेंड्स ये देखो हमारा कीटाणु है। फ्रेंड्स ये देखो बाढ़ का पानी यहाँ तक आ चुका है, और हम ये अब जाते हैं आगे। अभी ये देखो फ्रेंड्स 315 कट्टा भी देखो, ये फ्रेंड्स देखो बच्चे देखने के लिए आए हैं, तवंचे ले लेके पानी को, और ये बहुत हंस रहे हैं, और ये गांव कुछ गांव के आदमी कुछ घास लेकर आ रहे हैं, और एक ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा दोस्त आया एक पानी देखने, बहुत ही खुश है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा खुश है पानी देखने के लिए, और ये बादशाह आ रहे हैं बड़े। ये देखो फ्रेंड्स बच्चे नहा रहे हैं पानी के अंदर, और पानी बहुत ज्यादा है फ्रेंड, बच्चों की गर्दन गर्दन तक आ रही है। काला समझियो बादशाह फ्रेंड्स, ये देखो बादशाह आ चुके हैं ये, और ये भैंस के लिए बकरे के लिए घास लेकर आ रहे हैं, मैं इनके हालात ऐसी हो रहे हैं थोड़े, ये देखो थोड़ा सा आ चुके हैं, ठीक है। ऊपर को लेकर, ऊपर को लेकर गांव गांव भी देखना चाहिए थोड़ा। और ये भी है कि इस गांव के आदमी बहुत मेहनती है, मेहनत बहुत अच्छी तरह के करते हैं, ताकि पानी क्षेत्र इलाका है, इसलिए डंगर वगैरह ढोर वगैरह सब बाहर ही रहते हैं फ्रेंड। थोड़े ऊपर को हर का फोन है, पानी आने के टाइम कुछ लोग यहाँ से बाहर भी आ जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, फिलहाल आपको दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स आ चुके हैं हम पस्यपुरे की नदी देखने के लिए, और पूरी टीम आ गई है, ये देखो भाई हैं, और ये खालिद भाई, पूरी टीम आ गई है, अभी चलते हैं। आओ फ्रेंड्स, आओ, बता तो रहे थे यार कि यहाँ का लोकेशन इतनी प्यारी है कि बता नहीं सकते हम लोग, मगर यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ की हरियाली है ना, देख के हकीकत में यार हमारा, हम लोगों का दिल खुश हो गया। आपका क्या कहना है इस पर फ्रेंड्स? अभी इधर के गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं, पानी आ जाता है तो घर में रहने के लिए, अंदर पानी चला जाता है, रहने में दिक्कत पड़ती है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पानी देखने, थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया, इधर गांव के लोगों को भी दिक्कत पड़ती है जब पानी आ जाता है फ्रेंड्स, जो खेती किसानी है बहुत नुकसान हो जाता है, तो अभी हम जाते हैं। साथ ही फंस चुके हैं फ्रेंड्स, इधर हम आए थे तो इधर गाड़ी फंस गई है, ये देखो फ्रेंड पानी बहुत, रास्ता बहुत खराब है फ्रेंड्स, पानी देखने के लिए जा रहे हैं नदी पे तो फ्रेंड्स गाड़ी निकल चुकी है, ये देखो पूरी गाड़ी सन चुकी है, छोटा भाई जा रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम जाते हैं, बस बस रहने। तो फ्रेंड्स हम पहुंचने वाले हैं पानी देखने, यूट्यूबर सुनवा दिया मुझे, मन नमाज भी पढ़ना है।
ये देखो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पसियापुरे में नदी के पास। और फ्रेंड्स इतना पानी है, बहुत ज्यादा पानी। और ये देखो छोटा भाई आया है देखने के लिए, पानी देख रहे आज। ये देखो फ्रेंड्स, और ये खालिद मेरा दोस्त है। फ्रेंड्स इतना पानी है, जगह बहुत पानी आया। इधर गांव के लोगों को भी दिक्कत पड़ती है जब पानी आता है तो। फ्रेंड्स ये कोशी नदी है, कोशी नदी। देखो फ्रेंड्स पानी बहुत ज्यादा आया इधर गांव में। और हम पूरी टीम हमारी आई हुई थी वीडियो बनाने, देख बना के और लोगों को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स ये देखो पानी बहुत ज्यादा आया इधर। अभी पूरे गांव के लोग भी डरे हुए हैं। कोसी नदी है फ्रेंड्स ये, और बहुत ज्यादा पानी है फ्रेंड्स। और इधर गांव के लोगों को भी दिक्कत पड़ती है, पानी आ जाता है फ्रेंड्स। तो खेती में थोड़ा नुकसान हो जाता है, घर में ही पानी चला जाता है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। लेकिन अभी पानी इधर, ये रास्ता थोड़ा रास्ता कट गया पूरा। देखो फ्रेंड्स ये पूरा अंदर से कट रही है नदी। और ये बहुत दूर तक इधर पूरा खेत उत्ते सब खेत कट गए फ्रेंड्स, पानी बहुत ज्यादा आया है। ये देखो फ्रेंड्स अभी पूरी टीम इधर ही लगा हुई है। और इधर ये जो खेत है, इधर ये पूरे खेत कट रहे हैं और इधर पानी बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो फ्रेंड्स ये गांव के लोग हैं बेचारे, आए हैं घास काटने के लिए। इनके जो खेत में नुकसान हुआ है, अभी बहुत नुकसान है इधर। इनके जो खेत थे ना सब खराब हो गए हैं, पानी बहुत ज्यादा आ गया। क्या कहना चाहते हैं भाई सब, तुम गलत आया है ना इधर पानी? गलत, अब नदी है तो पानी तो आ गया नदी में। ये भाई सब कह रहे हैं नदी है तो पानी आ गया, इसलिए कोशी नदी है। इस तरह से आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे यहाँ पे। उसके मतलब इस पानी के बहाव से मिट्टी का तो नुकसान है ही, सबका, जंगलों का तो है नुकसान। मगर लोग जैसे कि ये फसल लगाते हैं मिर्च वगैरह की, पीपलमेंट की, गन्ने की, वो लगभग 80% खराब हो जाती है, जिसमें लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, परेशानी भुगतनी पड़ती है। अभी इतना पानी देख रहे हो ना, अभी तो कुछ नहीं है, 95% 5% का मामला है, अभी 95% अभी और आने वाला है। मगर व्यूज बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। कभी आओ, आपको भी घुमाते हैं, ऐसे बनाते हैं। फ्रेंड हम लोग अब थोड़ी मेहनत की है आपके वास्ते, आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। छोटी भी अदना सी मोहब्बत है आपकी, तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बदले के जो करना करें फ्रेंड। चैनल भाई है। हमारे बहुत मेहनत करते हैं, ये लेकर आए थे अपने गांव में, ऐसा समझ लो इतना अच्छा व्यूज है हमारे यहाँ पे, दिल लगता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो हमारे चचा हैं, ये हुक्का पी रहे हैं। गांव की जिंदगी है फ्रेंड, बहुत शानदार वाली। और हुक्का माशाल्लाह, ये 7,000 रुपये का हुक्का लेकर आए थे, और इसमें चिमटा भी है हुक्के के अंदर। और ये देखो बाहर आ रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो।